हमारा आज का पहला टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। देखो क्या है, जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, वो बहुत कॉस्टली है। उतना लोगों की सैलरी नहीं होगी जितना प्रोटीन का कंजप्शन हो जाएगा। भैया जिंदा तो रहना है, हेल्दी भी रहना है, तो आखिर क्या करें हम कि हम लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो इफेक्ट ना हो और प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए। एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन होता है। जैसे मान लो अभी सिंसर की क्लास है और सिंसर के अल्टरनेटिव के रूप में मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी बायो पढ़ाते हैं, हम भी बायो पढ़ा रहे हैं, ये मेरी क्लास है सिंसर ले लें। तो अल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, विकल्प। तो प्रोटीन का एक दूसरा विकल्प जो है वो क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन है। समझो मेरी बात, ध्यान सुना। देखो मेरी बात जल्दी समझ में नहीं आती है और समझ में आ जाए तो फिर उतरती नहीं है, समझ लो बात को। हमने बोला बेटा आपसे क्या कि एक वैकल्पिक प्रोटीन, अच्छा किसी भी चीज का विकल्प कब तलाशते हैं। जैसे मान लो हम कुछ खरीदने गए, और क्या है कि वो चीजें बड़ी कॉस्टली पड़ रही हैं। जब कॉस्टली पड़ रही हैं तो हम क्या करेंगे, उसके एक अल्टरनेटिव के रूप में हम खोज लेते हैं कुछ। तो प्रोटीन कॉस्टली है, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो प्रोटीन का अल्टरनेटिव सोर्स सिंगल सेल प्रोटीन होता है। हो सकता है कि सिंगल सेल प्रोटीन कोई माइक्रोब्स हो, कोई फंजाई हो, कोई बैक्टीरिया हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो मोर और लेस हम माइक्रोब्स को फूड के रूप में स्वीकार चुके हैं, बहुत हद तक हम माइक्रोब्स को फूड के रूप में स्वीकार चुके हैं। इवन देखो ना, जो बच्चे होंगे समझदार वो देखोगे वो क्या है कि सिंगल सेल प्रोटीन का एक उदाहरण हम तुमको दे दें। आप प्रोबायोटिक जानते हैं, हेलो? यस सर। प्रोबायोटिक क्या होता है, टीवी पे एड आता है, याकुल्ट पियो हेल्दी जियो। शॉपिंग मॉल में जब जाओगे तो वहां पे प्रोबायोटिक आता है, याकुल्ट करके आता है, YUSCULT याकुल्ट। उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो खाते हैं हम लोग। उससे क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइन की जितनी भी गंदगी होगी सब साफ हो जाएगी। देखो ये तो हो गया प्रोबायोटिक, जिसमें माइक्रोब्स को हम यूज करके अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं। ऐसे ही अगर माइक्रोब्स को यूज करें अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए तो उसको अपन लोग बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। तो अगर पूछे कि व्हाट इज सिंगल सेल प्रोटीन तो क्या बोलोगे, हेलो बोलो बच्चों, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ओके, तो सिंगल सेल प्रोटीन में मेनली कौन होते, कौन है बोलो, माइक्रोब्स होते हैं ना? यस सर। तो इसमें बैक्टीरिया होगी कि फंजाई होगी, ये दोनों हो सकते हैं? तो दोनों। अच्छा देखो, जैसे ये बरसात का टाइम है, अगर घर में अगर गाय रखे हो तो गाय को गोबर फेंकना, उसको खिलाना और हैंडल करना बड़ा टिपिकल है। और गाय को क्यों हम रखते हैं, दूध के लिए, मिल्क के लिए। मिल्क में क्या होता है, मिनरल होता है और मिल्क में प्रोटीन होता है। तुम एक बात बताओ, किसी भी बच्चे का, बहुत ध्यान से सुनना बात, किसी भी बच्चे का सबसे ज्यादा विकास कब होता है, बचपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? बचपन में बच्चा क्या खाता है, खाता तो कुछ है ही नहीं, 6 महीने तक दूध में कितनी शक्ति होती है आप अंदाजा नहीं लगा सकते बच्चों। समझो तुम में से जो बच्चे बचपन में बहुत ज्यादा दूध पिए होंगे उनकी हड्डियां बहुत मजबूत होगी, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी और उनको किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी हो रही होगी ना भविष्य में होगी। देखो मिल्क एक ऐसी चीज होता है जो हमारे बॉडी के हर चीज को डेवलप करा देगा, बॉडी के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को, सबको डेवलप करा देगा। कौन, मिल्क। मेरी बात ध्यान से समझना। तो गाय को तुमने रखा मिल्क के लिए ताकि तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। अब सोचो
गाय को हैंडल करना कितना दिक्कत है, पर एक गाय जो है 200 ग्राम प्रोटीन देती है समझो, और एक माइक्रोब पालने मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस ये जो माइक्रोब्स है 25 टन प्रोटीन देता है, एक टन में 10 क्विंटल होता है, और तुम अपने छत के बालकनी पे बहुत आसानी से इस बैक्टीरिया को जिसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस आप घर पे रख सकते हो। तो सोचो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है जिसको आप यूज कर रहे हो किसके रूप में, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में, तो आप सोच सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन कितनी बड़ी चीज हो गई। ये गाय पालोगे तो 200 ग्राम प्रोटीन तुमको मिलेगा एक दिन में, सोचो तो 200 ग्राम प्रोटीन के लिए तुमने गाय पाल लिया। लेकिन अगर तुमने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये एनसीईआरटी में दिया है, तुमने देखा है, बोलो बेटा। यस सर। जो मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया है 25 टन प्रोटीन देता है, एक टन में 10 क्विंटल, तो इसका मतलब 250 क्विंटल, तो 250 क्विंटल मतलब एक बंदे की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है एक दिन में, वो बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है समझो, यानी मिनिमम 180 ग्राम मीट खाना चाहिए। अगर 180 ग्राम मीट खाना चाहिए और सारे लोग अगर मीट खाने लगे तो ये जो हाहाकार है और मच जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 किलो मांस के पैदावार में 3 से 10 किलो दाना लगेगा, यानी किसी मुर्गी को या किसी बकरे को 3 से 10 किलो गेहूं खिलाओगे तो 1 किलो मांस तैयार होगा। इसीलिए सारे शाकाहारी लोग अगर मांसाहार की तरफ मूव कर जाएं तो उस केस में जो फूड की क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा हमने तुमसे क्या कहा कि जो सिंगल सेल प्रोटीन होते हैं, जो भी सिंगल सेल प्रोटीन है, आप समझो बात को, सिंगल सेल प्रोटीन हम केवल अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए ही नहीं लेते हैं, बल्कि आप देखोगे इसका दूसरा भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्या कि अगर आपने क्या है कि जैसे मान लो चिप्स बनता है तो चिप्स में आलू का पानी जो इफेक्ट देते हैं ऐसे, या गन्ने की फैक्ट्री में जो देखोगे मोलासेस निकलता है वो बाहर बहा दिया जाता है, उसे कुछ शराब बन जाता है बाकी फेंक दिया जाता है। अगर हम शुगर केन मोलासेस से, शुगर केन की जो गंदगी होती है चीनी बनाते समय मोलासेस बोलते हैं ठीक है, उनके मतलब शुगर केन इंडस्ट्री का जो गंदगी है वेस्ट है, या पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट की जो गंदगी है वेस्ट है, अगर उसको बाहर फेंकेंगे तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर उसको यूज करें हम एक कल्चर मीडिया के तौर पे और उसपे माइक्रोब्स को ग्रो करें इन द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव प्रोटीन, देन आता है सिंगल सेल प्रोटीन का नाम। तो सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में एक बात आपको ये भी समझ में आ गई कि ये पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, कैसे, कि जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बनाने के दौरान जो गंदगी इकट्ठा होती है उस सारी गंदगी को ये रिमूव करते हैं। ओके, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिंगल सेल प्रोटीन इज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन, इज अ सोर्स ऑफ बायो रेमिडेशन, तो बोलोगे बोथ, BOTH बोथ। जरा लिखो, एक पॉइंट लिखो, बायो रेमिडेशन, BIORemidation, बायो रेमिडेशन। आप में से कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय बायो रेमिडेशन? बोलो भाई, बच्चे लोग आवाज आ रही है? बच्चे आ रही है सर। बायो रेमिडेशन का क्या मतलब होता है? Naturally occurring. नहीं ऐसे बोलोगे कि डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, लिखो डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट बाय यूजिंग बायोलॉजिकल एजेंसी, डिग्रेडेशन, DEGRADATION, डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, degradation of pollutant by using biological agency. Degradation of pollutant by using biological agency. Bio का नाम है Pseudomonas putrida, PSEUDOMONAS, Pseudomonas putrida। क्या नाम है बेटा? Pseudomonas putrida, है ना? यस सर।
तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा है, ठीक है। तो स्यूडोमोनास प्यूटिडा को हम लोग इन्वायरमेंटल रेमिडेशन के रूप में यूज करते हैं। देखो समुद्र के रास्ते जब तेल आता था तो तेल, अगर तेल मतलब क्या, डीजल और पेट्रोल, ये लीक कर जाता था पानी में, जिससे मछलियां मर जाती थी। तो एक इंडिया के साइंटिस्ट थे जिनका नाम है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती से याद रखना, डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ने इन्वायरमेंटल रेमिडेशन का सहारा लेके मतलब एक बैक्टीरिया को लैब में बनाया जेनेटिक इंजीनियरिंग से। उस बैक्टीरिया जिसका नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, उसको पानी में डाल दो तो पानी में जो भी तेल बह गया है उस सारे तेल को कंज्यूम कर लेगी, है ना। अब हम वीडियो खोलेंगे, इससे पहले वीडियो बजाय शेयर कंटेंट करूंगा मैं एक चीज। ओके जस्ट वेट देखो बेटा स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर सिंगल सेल प्रोटीन वाला दिख रहा है पेज आपका। ग्रीन मैन्योर सर आप जूम कर दीजिए, बस जूम कर दीजिए सर, आप अच्छे से विजिबल नहीं, ब्लर हो रहा है। सिंगल सेल प्रोटीन देखो तुम ब्लर हो रहा है। अब बताओ सर, अब ठीक है हम लोग जूम कर सकते हैं। कर लिया सर जूम, आप पढ़ाइए। देखो लिखा सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, यीस्ट, फिलामेंटस एल्गी। गेट इट? ग्रीन एल्गी के साथ, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ कौन सा है? फिलामेंटस एल्गी। दिख रहा हो? यस सर दिख रहा है, पढ़ाइए। तो उसमें देखो क्या है, दे आर प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस न्यूक्लिक एसिड। गेट इट? दे आर प्रोसेस टू रिमूव एक्सेस न्यूक्लिक एसिड। The raw material for single cell protein production include whey. जब पनीर बनाते हैं ना तो पनीर का जो पानी होता है उस पानी को जलाओगे तो whey मिलेगा। whey बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, अब लीवर को दिक्कत नहीं होती। जैसे प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है कि ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। ज्यादा अगर प्रोटीन है तो लीवर खराब हो जाएगा। तो लीवर को बचाने के लिए समझो हम ऐसी प्रोटीन खोजते हैं जिससे क्या है, बॉडी को प्रोटीन ही मिल जाए और लीवर में ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो वे 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 वही वे प्रोटीन बनता है उसी से। देखो सल्फाइड वेस्ट लिका, जो भी लिक शराब बनाते हैं उस उनके दौरान सल्फाइड वेस्ट बाहर निकलता है, हाइड्रोकार्बन वेस्ट और पेट्रोलियम इंडस्ट्री का गंदगी, वेस्ट वाटर कंटेनिंग स्टार्च फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट, स्ट्रॉ मैंने भूसा, मोलासेस गन्ने से निकलता है, एनिमल मैन्योर यानी गाय भैंस का गोबर, उसी के ऊपर ग्रो कराते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और क्या क्या हो सकता है एल्गी में, देखो स्पाइरुलिना, सेंडेस्मस, क्लोरेला, ये याद रखना है, स्पाइरुलिना, सेंडेस्मस और क्लोरेला। और फंजाई में देखो जरा फ्यूसेरियम, ग्रेमिनेरियम, कैंडिडा यूटिलिस, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये फंगस है जो सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में यूज कर सकते हैं, ध्यान से समझना। उसके बाद देखो बैक्टीरियम, देखो एक्रोबैक्टर और सेलोमोनास, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रोपस, ये एनसीईआरटी ने दिया है। 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोचो 250 ग्राम कितना होगा, एक प्लेट में भी नहीं आएगा, एक प्लेट में भी आ जाएगा तुम्हारा कम से कम 250 ग्राम नहीं उसमें आ जाएगा, एक प्लेट में 500 ग्राम आ जाएगा। मतलब एक प्लेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करा के 25 टन प्रोटीन बना सकते हो, सोचो। उसके बाद एक और टॉपिक है ग्रीन मैन्योर। देखो एक होता है बायो फर्टिलाइजर, एक होता है ग्रीन मैन्योर, दोनों में क्या अंतर है? बायो फर्टिलाइजर और ग्रीन मैन्योर में क्या अंतर है भाई, कोई बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायो फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर? देखो अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज इट इज बिना उसको मारे अगर हमारे खेतों की उर्वरक शक्ति बढ़ रही है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बायो फर्टिलाइजर। लेकिन अगर खेतों में, गांव के रहने वाले देखो खेतों में सनई छिट देती है, एक पौधा होता है सनई, बड़ा हो जाता है तो उसकी खेतों की प्लफिंग कर देते हैं, जब प्लफिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो सड़ गल जाएगा। इसका मतलब खेतों की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं किसी प्लांट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से, तो वो ग्रीन मैन्योर है। ग्रीन मैन्योर के सारे एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा ग्रीन मैन्योर का।
एक लाइन दिखाया है, इट इज फाउंडेड, सबसे लास्ट वाली लाइन, ग्रीन मैन्यूअर इंक्रीज क्रॉप यील्ड बाय 30-50% एज कंपेयर टू फार्म यार्ड मैन्यूअर। यानी जो भी फार्म यार्ड मतलब क्या होता है, खेत, जो भी खेतों में नॉर्मल खाद आप यूज करते हैं उसके तुलना में अगर ग्रीन मैन्यूअर यूज करेंगे तो फसल की पैदावार 30-35% बढ़ जाएगी। इससे फसल जो ग्रीन मैन्यूअर में जो पौधे हैं, समझ रहे हैं, इनके डिग्रेडेशन से, जैसे सबसे इंडिया में देखो कौन है, सनहेम, सनहेम को क्या बोलते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, उसके लिखा देखो लिखा दइंचा, सिस्वानिया एक्यूलाटा, क्लस्टर बीन, स्वीट क्लोवर, काउपी, हॉर्स ग्राम, इजिप्शियन क्लोवर, ये सब यूज करते हैं, लेंटिल, मसूर एंड ऑल, ठीक है। बस अब हम इसमें एक चीज और शेयर करेंगे बेटा, स्टॉप शेयर, शेयर कंटेंट, गो टू फोटोज, जस्ट वेट, अब देखो जरा एनसीईआरटी से बाहर एक म्यूटेशन ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, समझो म्यूटेशन ब्रीडिंग का, इसमें आप देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग, समझ में आ रहा है, छोटा बात है, अभी हम कलर सिलेक्शन कर रहे हैं, रुक जाओ, हाँ ओके, अब दिख रहा होगा, बड़ा दिखा सर, दिख रहा है, जूम कर ले रहे हैं, इसमें देखो सरवती सोनोरा, सरवती सोनोरा एंड पूसा लर्मा वैरायटी ऑफ वीट फॉर्म बेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। पूछेगा जो भी भारत में हरित क्रांति का आधार है वो क्या है, सरवती सोनोरा और पूसा लर्मा। बेटा गलती से भी छोड़ना नहीं है, सब ढूंढ के लाया हूं जो आया, और जगन्नाथ ये किसके वैरायटी है, राइस के, धान के। इरेक्टिफेरम आइरेक्टोइड ये किसके वैरायटी है, बार्ले की। अरुणा किसकी वैरायटी है, केस्टर की। थिक सेल इन ग्राउंड नट, थिक सेल ग्राउंड नट, टीजीआई बोलते हैं, थिक सेल इन ग्राउंड नट। वीड एनपी 836 किसका वैरायटी है, वीट का। इंदौर 2 किसका वैरायटी है, कॉटन का। जो एनसीईआरटी में दिया था ना मूंग बीन, येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंस आया था। पिपरामिंट टोडिस मर्चेंट वैरायटी, याद रखना ये पिपरमिंट का है, पिपरमिंट की खेती करते हैं लोग, इसमें बहुत ज्यादा आयल कंटेंट होता है और बीमारी भी नहीं होती है। पूछेगा टोड्स मिटचेम वैरायटी किसकी वैरायटी है, कहोगे पिपरमिंट की। क्या है इसमें, तेल ज्यादा है और बीमारी नहीं है, ठीक है। एक तो टेक अ स्क्रीनशॉट ले लिया, यस सर, स्टॉप शेयर, शेयर कंटेंट, फोटोज, जस्ट वेट, ओके आई एम कमिंग, ये हो चुका है, एक मिनट, दिस ओके। ये देखिए इस चैप्टर के कुछ ऐसे चीजें हैं ना कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में कुछ, देखो 10 पॉइंट ऊपर दिए हैं, 6 पॉइंट नीचे दिए हैं। उसमें देखो जर्म प्लाज क्या होता है, डेफिनेशन उसका, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन अ क्रॉप, गेट इट, सम टोटल ऑफ ऑल जीन, सम टोटल ऑफ ऑल एलील फॉर ऑल जीन, जितनी भी जीन्स है उसकी सारी एलील, किसी एक फसल की क्रॉप, किसी एक फसल, किसी भी एक प्रजाति की एक फसल, ऐसे याद रखो, किसी भी एक स्पीसीज के, समझो एक क्रॉप के सारे जीन्स और उसके एलील, जर्म प्लाज कलेक्शन। प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पोलिनेटेड प्योर लाइन, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डाइवर्स पेरेंट, ये लिख रही है सर, ये आकाश का बुकलेट है क्या तुम्हारे पास, होगा तो करोगे भैया। हम क्या करते हैं कि जितने भारत में कोचिंग है और जितने अच्छे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, जिनके यहाँ से टॉप रैंक आता है, ठीक है, तो उनका जितना अच्छा कंटेंट है सब उठा लेता हूं। तो ये जो भी देखो तुम्हारे आकाश में भी होगा, ये तुम्हारे एलएन में भी होगा, ये तुम्हारे अब न्यू लाइट में भी है, सब में है, समझो जो बेस्ट कंटेंट होगा आपको डिलीवर करेंगे, जो नहीं कूड़ा है हटा देंगे। अब देखो केलस क्या है, एक्टिवली ग्रोइंग इरेगुलर एंड अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अभी तुमको टिश्यू कल्चर में पढ़ाने जा रहा हूं मैं, एक्टिवली ग्रोइंग इरेगुलर हम्म
सिर्फ एनसीईआरटी। ये बेटा ये जानते हो ये जो लिख रहा है तुम लोग यार, पहली बार तो भरोसा होना चाहिए जहां पढ़ रहे हो कि सिर्फ एनसीईआरटी कराई है। देखो हम तो वो कराएंगे जो पेपर में आएगा, जिसको लग रहा है क्या है कि ये आकाश का मैटर है, ये उसका मैटर है, ये मैटर क्या है, ये अनसॉल्व का मैटर है, ठीक है, ये हर मॉड्यूल में मिलेगा तुमको। तुमको नहीं पढ़ाया गया है तो बेवकूफ बने हो, तुम पढ़ लो। एक्टिवली ग्रोइंग इररेगुलर एंड डिफरेंशियल मास ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, केलस प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर, बोलेंगे सोमा क्लोन। यानी अगर मान लो टिश्यू कल्चर में जो भी प्रोजेनी प्लांट है वो पेरेंट प्लांट से ही तो आते हैं और सब एक जैसे होंगे, सोमा क्लोन बोलेंगे। एम्ब्रियोइड, एम्ब्रियो दैट अराइज फ्रॉम सोमेटिक सेल, टिश्यू कल्चर के दौरान सोमेटिक सेल से जो एम्ब्रियो बनती है वो एम्ब्रियोइड बोलते हैं। एक्चुअली एम्ब्रियो कहां से बनना चाहिए, जर्म सेल से, लेकिन अगर सोमेटिक सेल से बने तो एम्ब्रियोइड बोलेंगे। हाइब्रिड, गेट इट, हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। देखो जैसे हम कहे कोई ऐसा पौधा बनाओ जिसमें, कोई ऐसा पौधा बनाओ जिसमें नीचे लगे आलू तो ऊपर लगे टमाटर, तो क्या करेंगे, आलू का सेल लेंगे, टमाटर का सेल लेंगे और पॉलीथाल ग्लाइकोल से चिपका देंगे, तो उसको बोलेंगे हाइब्रिड। देखो व्हाट इज टोटिपोटेंसी, एबिलिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, यानी एक ऐसी क्षमता जिसे एक सेल से पूरी बॉडी बना सके, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी, समझो। हाइब्रिड विगर, जो भी हाइब्रिड पौधा होता है वो पेरेंट से सुपीरियर होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर। जहां लिखा है हाइब्रिड विगर, तुम एक पॉइंट लिखो, हाइब्रिड विगर इज इक्वल टू, हाइब्रिड विगर इज इक्वल टू हेटरोसिस, HETEROSIS। यानी अगर सुपीरियर मेल लिया, सुपीरियर फीमेल लिया, तो जो बच्चा होगा वो मेल फीमेल दोनों से सुपीरियर होगा। तो सुपीरियरिटी ऑफ प्रोजेनी ओवर आइदर ऑफ द पेरेंट इज नोन एज हेटरोसिस, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड विगर, ठीक। देखो छह पॉइंट दिया क्विक रिकैप, पूरे चैप्टर में सिर्फ तुमको छह बातें जाननी है जो पढ़ाए हैं अभी। पहला प्लांट ब्रीडिंग, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायर्ड प्लांट। कोई भी डिजायर्ड प्लांट बनाना है आपको जिसका कोई उद्देश्य है, इसे नहीं कि सपना देखे बना दिए, जो कि कल्टीवेट खेती के लायक हो और जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट हो, प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इज पॉसिबल ड्यू टू, ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों संभव हो पाया, तो कहोगे हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, क्या वीट राइस और मेज। इट ऑल्सो यूज बायोफोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप विच इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी विद हायर लेवल ऑफ विटामिन मिनरल एंड हायर प्रोटीन इन हेल्थियर फैट, एनसीईआरटी की ही लाइन है। सिंगल सेल प्रोटीन इज एन एक्सीलेंट अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो ध्यान से सुन लो, जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो ह्यूमन के लिए है कि एनिमल के लिए, तो दोनों के लिए। टिश्यू कल्चर इज यूज टू अचीव प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत कम समय में बहुत भारी तादाद में पौधे बनाएंगे, तो कौन सी टेक्निक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कैन प्रोड्यूस अ न्यू हाइब्रिड प्लांट कंबाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट, यानी अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट को जोड़ दें तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। ये आपको शॉर्ट में वो दे दिया, अब सीधे आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ एनसीईआरटी में आते हैं। ये अदर देन एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछे, अदर देन क्या एनसीईआरटी, बेटा देखो जरा दिख रहा है क्या चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर? यस सर। इसमें देख भाई छह टॉपिक पढ़ने हैं इसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में। सबसे पहला अगर देखा जाए इसमें, देखिए सबसे पहला माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, जो दूसरा है माइक्रोब्स इन क्या है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और तीसरा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, और चौथा माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, पांचवा माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो माइक्रोब को घर में यूज क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या है, बायोगैस प्रोडक्शन में क्या है, और बायो कंट्रोल एजेंट में क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट माने केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को यूज किए बिना हम अगर कुछ कर रहे हैं तो आपका बायो कंट्रोल हो गया, बायो फर्टिलाइजर अभी आपको पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब छह टॉपिक इसमें है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया 10.3 और 10.6, तो वहां पे अपने साइड में लिख भी लीजिए कहीं, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है 10.3 और 10.6 इस पन्ने पे, आपको बस एक नाम पे ध्यान देना है, प्रियोन, नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 छठवीं लाइन, प्रियोन मिला
बोलो भाई। Yes, प्रियों, देखो जो प्रियान है क्या होता है, छोटा सा इन्फेक्शियस प्रोटीनेसियस पार्टिकल होता है, कोई प्रोटीन का टुकड़ा है छोटा सा, जो अगर हमारी बॉडी में चला जाए तो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम खा जाएगा, खत्म कर देगा। ये लॉफिंग डेथ काज करता है, कुरू बोलते हैं। एक बीमारी का नाम है मैड काऊ डिजीज, तो किनारे लिख सकते हो मैड काऊ डिजीज किससे होता है, प्रियोन से। जो भी मैड काऊ डिजीज किससे होता है, प्रियोन से, ठीक है। चलिए दूसरा, इस पन्ने पे बेटा यही है और बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये डायग्राम है और डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, फिगर 10.2 ऊपर है और बैक्टीरियोफेज, बी वाला ध्यान दीजिए, एडीनो वायरस, गेट इट, एडीनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। पूछेगा एडीनो वायरस कौन सा इंफेक्शन काज करेगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। बेटा समझ में आ रहा है? एडीनो वायरस समझ में आ रहा है बेटा? लूडो का डाइस के जैसा आ रहा है देखने में। नीचे लिखा है ना 10.2, जो स्क्रीन जो हमने लार्ज किया, देखो लिखा है एडीनो वायरस विच कॉज रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मिला। अब सुनना, तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, यस अनन्या, ओके गुड। देखो एडीनो वायरस जो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन काज करता है, आप देखोगे रेस्पिरेटरी इंफेक्शन और किससे होता है, आरओटीए रोटा, और किससे होता है, कोरोना, और किससे होता है, राहिनो, RHINO, राहिनो वायरस, कोरोना वायरस, एडीनो वायरस, बस। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में देखो 10.1 माइक्रोब इन ह्यूमन प्रोडक्ट। अब इसमें यह कह रहा है कि अब इसमें थोड़ा सा बोर्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे, जरा बोर्ड पे आओ। एक तुमको बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज करा रहे हैं, जरा ओके, कोई नहीं। देखो जो भी मिल्क होता है, मिल्क, गेट इट, जो मिल्क होता है, मिल्क में देखो एक होता प्रोटीन, ठीक है, और मिल्क में एक होता है शुगर। तो जो भी दूध पीते हैं तो दूध में प्रोटीन भी होता है और शुगर भी होता है। जो मिल्क प्रोटीन है उसको हम बोलते हैं केसीन, CASEIN, केसीन। और मिल्क में जो शुगर है, समझो, उसको बोलते हैं लैक्टोज। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने कहा मिल्क में प्रोटीन भी है और मिल्क में शुगर भी है। मिल्क प्रोटीन को कहते हैं केसीन और मिल्क शुगर को कहते हैं लैक्टोज। तो होता क्या है, जो मिल्क के अंदर शुगर है, लैक्टोज, इसमें घटना घटती है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से जो लैक्टोज होगा वो बदल जाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने कहा कि मिल्क में शुगर है, लैक्टोज, जिसमें होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन से एक एसिड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो देखो मिल्क शुगर में फर्मेंटेशन से क्या बन गया, एसिड, समझो। और ये जो लैक्टिक एसिड है ये काम करता है किस पे, मिल्क प्रोटीन, केसीन पे। जब केसीन पे एसिड काम करता है तो आप देखोगे क्या होगा, जो केसीन है वो बदल जाएगा, इसमें घटना घटेगी, इसमें घटना घटेगी डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन किसमें हुआ, केसीन में, तो क्या बन गया, कर्ड, कर्ड। व्हाट इज कर्ड, डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन, डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन। जो भी डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन है, जो डीनेचुरेटेड मिल्क प्रोटीन है उसको बोलते हैं केसीन। तो दही कितना ज्यादा अच्छा होता है, सोचो, जिन लोगों में दूध नहीं पचता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनमें भी आप देखोगे दही के रूप में बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, डीनेचर्ड मिल्क प्रोटीन का मतलब क्या, कर्ड। तो कर्ड देखोगे ये कैसे बना है, तो कहोगे फर्मेंटेशन फॉलोड बाय डीनेचुरेशन, समझो। तो इसमें देखो फर्मेंटेशन के लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, समझो। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होती है लैब, ये क्या करती है, मिल्क शुगर लैक्टोज में फर्मेंटेशन करा के एसिड बना देती है। जो ये एसिड है
मिल्क प्रोटीन केसिन को क्या करेगा, डिनेचुरेशन, और डिनेचुरेशन के बाद क्या बन जाएगा, कर्ड. व्हाट इज कर्ड? तो कहोगे डिनेचर्ड मिल्क प्रोटीन. तो आप देख रहे हो कि डिनेचर्ड मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसर, क्या है, कर्ड बोलते हैं. तो जो भी आप देख रहे हो जो डिनेचर्ड मिल्क प्रोटीन कर्ड है, ये हमारी आंतों में B12 का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन वो बढ़ा देगा. और B12 की एब्जॉर्प्शन बढ़ने से एक बीमारी नहीं होती है, बोलते हैं परनीशियस एनीमिया. परनीशियस एनीमिया. और याद रखिएगा, इसमें जो B12 है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो RBC का फॉर्मेशन होगा. इसको बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस. और इसमें देखोगे एक होता है ऑग्जिलिटिक नेक, ऑग्जिलिटिक सेल क्या निकलती है, सीएल, म्यूकस नेक सेल, म्यूकस निकलती है. पेप्टिक या चीप सेल क्या निकलती है, पेप्सिनोजन. लेकिन जो ऑक्सिलिटिक या पेराइटल सेल होती है, समझो, वो HCL निकालने के साथ साथ निकालती है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर. वही कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है. समझो बात को. तो अब पूछेगा कि क्या दही से एरिथ्रोपोएसिस भी होता है, कहोगे हाँ. पूछेगा क्या दही से परनीशियस एनीमिया रुक जाएगी, तो कहोगे यस. पर जो लोग दही खाएंगे उनको परनीशियस एनीमिया नहीं होगा, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा. ठीक है. अब देखो देखो, एक होता है मिल्क, दूध, और दूध से बनाते हैं पनीर, दूध से बनाते हैं पनीर, और पनीर से बनाते हैं चीज. चीज दूध से क्या बनाया हमने, पनीर, और पनीर से क्या बनाते हैं, चीज. तो पनीर से जो चीज बनाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं राइपनिंग. पनीर से चीज बनाते हैं, क्या बोलते हैं, राइपनिंग. और राइपनिंग के लिए हम यूज करते हैं या तो बैक्टीरिया या यूज करते हैं फंजाई. गेट इट? आपने दूध से दही बना लिया, अगर आपको पनीर बनाना है तो दूध से पनीर बना लीजिए. और पनीर से राइपनिंग से हम चीज बनाते हैं, और चीज में देखोगे अगर बैक्टीरिया यूज करेंगे तो हम कहेंगे स्विस चीज. स्विस चीज, स्विस चीज. अगर फंजाई यूज करेंगे तो इसको बोलते हैं रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज. समझो भाई, सब NCERT में लिखा है. आप देखोगे हमने कहा कि स्विस चीज में जो बैक्टीरिया यूज करते हैं उसका नाम है क्या, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी. जो रॉकफोर्ट चीज है इसमें यूज करेंगे पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई. टेक अ स्क्रीनशॉट. बेटा बोर्ड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है. असल में बहुत ज्यादा बिजली गिर रही है और क्या है, पानी गिर रहा भयंकर, थंडर स्पार्क लखनऊ में हो रहा है. अब तुम्हारी जो भी क्लासेस चलेंगी सब वीडियो वाली हैं आज के बाद से. कल से पूरा वीडियो यूज करना पड़ेगा. आज वीडियो केवल कल और आज, दो लेक्चर बिना वीडियो का था. ये जहां वीडियो की जरूरत हमने यूज कर लिया. देखो तो मिल्क से तुमने दूध से दही बनाया. जल्दी जवाब दीजिए, सब लोग माइक खोल लीजिए. ये बताइए, मिल्क से कर्ड बनना है तो डिनेचुरेशन की फर्मेंटेशन की दोनों, डिनेचुरेशन बहुत मारेंगे. दोनों होगा, पहले फर्मेंटेशन होगा फिर डिनेचुरेशन होगा. बोर्ड में लिखा तो है, पहले शुगर में फर्मेंटेशन हुआ तो एसिड बना, और एसिड ने प्रोटीन पे काम किया तो डिनेचुरेशन हुआ है. चलिए फिर बताइए, दूध से दही बनना है तो फर्मेंटेशन की डिनेचुरेशन की दोनों, दोनों. पहले क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा. फिर क्या होगा, डिनेचुरेशन. समझ रहे हो ना, डिनेचुरेशन. तो पहले फर्मेंटेशन फिर डिनेचुरेशन. अच्छा ये बताओ, डायरेक्ट चीज बनता है कि पहले पनीर बनता है? पनीर बनती है. पनीर से चीज बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, राइपनिंग. राइपनिंग में बैक्टीरिया यूज करेंगे कि फंजाई की, दोनों. अच्छा ये बताओ, बैक्टीरिया यूज करेंगे तो स्विस चीज की रॉकफोर्ट चीज, स्विस चीज. फंजाई यूज करेंगे तो रॉकफोर्ट चीज.
तो बैक्टीरिया का नाम क्या, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी। इसमें देखोगे बड़े बड़े होल्स होंगे, लार्ज होल, क्योंकि उस होल से निकला होगा क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है तो बेटा यहीं पे केवल बोर्ड का इस्तेमाल है, बाकी कहीं बोर्ड का इस्तेमाल नहीं है। वाला पन्ना हम लोग देख रहे थे ना बेटा, यस सर, जिसमें CO2 गैस निकलती है। देखो साउथ इंडिया में हम लोग क्या पीते हैं, ताड़ी, जो भी ताड़ी होता है टोडी, इसको बोलते हैं फर्मेंटेड सैपा पाम, फर्मेंटेड सैपा पाम, ये टोडी होता है। फर्मेंटेड सैपा पाम क्या, टोडी। तो आपने देखा कि जैसे आसाम में, आसाम चले जाओ या साउथ ईस्ट में जाओ, तो साउथ ईस्ट में लोग क्या है, फर्मेंटेड मछलियों को रखते हैं, बेम्बू शूट्स, बांस का कोपल जो होता है, सोयाबीन जो होता है, इसको फर्मेंट करके रखते हैं। तो देख रहे हो हाउस होल्ड एप्लीकेशन में माइक्रोब्स का कितना बड़ा यूज है, चाहे आप दही बनाएं या पनीर बनाए, क्या नाम है, चीज बनाएं, या ताड़ी, ताड़ी बनाएं, या इवन अल्कोहल बनाएं। अल्कोहल में क्या यूज करते हैं, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसी। अब आ जाओ फर्मेंटेड बीवरेज, पेज नंबर 182। यहां पे देखो जो भी प्राकृतिक तौर पे अल्कोहल होता है उसमें, सॉरी, जो प्राकृतिक तौर पे पाए जाने वाली बीवरेजेस होती हैं, पेय पदार्थ, उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है। लेकिन डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाया जाता है किसी बीवरेजेस में, समझे। तो वह कौन सी प्रोसेस है जिससे हम लोग अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाते हैं, बोलो भाई, बीवरेज। अरे डिस्टिलेशन, DISTILLATI, डिस्टिलेशन, लिख जाओ डिस्टिलेशन, इंक्रीज अल्कोहल कंटेंट। अरे जैसे तुम बियर देखो उसमें अल्कोहलिक कंटेंट कम होता है, समझ रहे हो, यस सर। वाइन और बियर में अल्कोहलिक कंटेंट कम है, यहाँ पे बस एक लाइन, विस्की, ब्रांडी, रम आफ्टर डिस्टिलेशन, एक लाइन देखो लिखा है, वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। बनाओ, बताओ बिना डिस्टिलेशन के कौन बनेगा, वाइन की, बियर की, दोनों, वाइन बियर दोनों। तो अच्छा वाइन, वाइन बियर विदाउट डिस्टिलेशन है तो इसमें अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा होगा कि कम, 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 जबकि विस्की, ब्रांडी, रम आफ्टर डिस्टिलेशन है ना, तो अल्कोहलिक कंटेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा, ज्यादा। अब आ जाओ एंटीबायोटिक। अब एक चीज ध्यान से सुन लो, जो भी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय माइक्रोब आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, गेट इट। एक क्वेश्चन एंटीबायोटिक से पक्का आना है, चाहे जैसे आए। अगर दुनिया से एंटीबायोटिक खत्म हो जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो बोल रहा हूं सुन लो, तुम हाई स्कूल का पेपर नहीं देने जा रहे हो, मेडिकल का पेपर देने जा रहे हो, वहां पे एक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, समझो। कहानी नहीं लिखना है, कॉन्सेप्ट बताना है। अगर धरती से एंटीबायोटिक गायब हो जाए तो बताओ जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, समझ लो, क्योंकि पूरे माइक्रोब सब खत्म कर देंगे, सबको मार डालेंगे, फिर खुद में कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जो भी एंटीबायोटिक्स है, ये 19th सेंचुरी की डिस्कवरी है कि 20th, भैया 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। अच्छा अब एक चीज सुनना, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लैब में काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया पे जिसका नाम है स्टेफिलोकोकस। तो एक बार क्या है, कल्चर प्लेट बिना धोए चले गए घर, दूसरे दिन आए तो उन्होंने प्लेट कुछ धूले ले लिए, कुछ बिना धूले ले लिए, उस पे स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराए। जब स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया को ग्रो कराए तो जो अनवॉश कल्चर प्लेट था जिसको धोए नहीं थे उसे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रही थी। उन्होंने देखा अरे यार इस पे क्यों नहीं ग्रो कर रही है, तो उन्होंने देखा उस पे एक फंगस ग्रो किया था जिसको मोल्ड बोलते हैं, MOULD, मोल्ड, उसका नाम है पेनिसिलियम। तो उन्होंने देखा पेनिसिलियम ग्रो किया है तो बैक्टीरिया क्यों नहीं ग्रो कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पेनिसिलियम बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस पेनिसिलियम के एक्सट्रैक्ट को जिसपे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उस पे मिलाया, बस बैक्टीरिया मर गई। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो पेनिसिलियम है ये कुछ ना कुछ ऐसा निकाल रहा है
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक रहा है. व्हाट आर एंटीबायोटिक? दीज आर द केमिकल सिंथेसाइज बाय वन माइक्रो गोइंग टू चेक द एक्टिविटी ऑफ अदर माइक्रो. ये ऐसे केमिकल है जो दूसरे माइक्रोब की एक्टिविटी को रोकते हैं, जो खुद ही एक माइक्रोब से निकलते हैं. तो आप देखोगे माइक्रोब्स के लिए तो अगेंस्ट लाइफ है, बट ह्यूमन के लिए फॉर लाइफ है. सेकेंड वर्ल्ड वार में जब यूएस के सैनिक बहुत भारी तादाद में घायल हुए थे 1945 में, तो उस समय पेनिसिलिन का बहुत बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया गया था एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के रूप में. तो पेनिसिलिन जिसे निकाला गया था उस फंगस का नाम है, उस मोल्ड का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम. लेकिन आज जो निकाला जाता है कमर्शियल स्केल पे उसका नाम है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एंड मॉडिफाइड स्ट्रेन ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम. तो पेनिसिलियम क्या है? जीनस है. इसमें एक देखोगे इसमें क्या है, एक जो एनसीईआरटी ने दिया नोटेटम, इसके अलावा भी एक होता है क्राइसोजेनम. और 1945 में चेन फ्लोरे और फ्लेमिंग को नोबल प्राइज भी मिल गया ये एंटीबायोटिक के बारे में दुनिया को बताने के लिए. एक बात बताएं, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर, यस सर. मात्र 10 साल के अंदर ये एंटीबायोटिक की दुनिया खत्म हो जाएगी. तुम लोग जा रहे हो ना एलोपैथ में पढ़ने, तो उसमें सब एंटीबायोटिक का अल्टरनेटिव सोर्स आ जाएगा. तो व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज द अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक? लिखो एसेंशियल ऑयल. लिखो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एसेंशियल ऑयल. मैंने आने वाले समय में जो एंटीबायोटिक है इसका विकल्प क्या होगा, लिखोगे एसेंशियल ऑयल. चलो सब लोग बताओ एंटीबायोटिक का अल्टरनेटिव सोर्स क्या होगा बेटा? एसेंशियल ऑयल. एसेंशियल ऑयल. चलो पेज नंबर आपका 183 नीट के लिए जबरदस्त पढ़ना है. देखो माइक्रोब का यूज करते हैं केमिकल बनाने में, एंजाइम बनाने में और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में. इसमें देखो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, सॉरी माइक्रोब का यूज करते हैं केमिकल बनाने में, कि एंजाइम की, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल की, सब सब बनाने में यूज करेंगे. इसे देखो ऑर्गेनिक एसिड. हाँ ये आपको याद रखना है. एस्परजिलस नाइजर ये क्या है? फंगस है. एक ही है फंगस एस्परजिलस नाइजर. इसे क्या निकालते हैं? सिट्रिक एसिड. समझो एस्परजिलस नाइजर मिला. देखो डार्क किया मैंने. एस्परजिलस नाइजर फंगस है, सिट्रिक एसिड. बाकी सब बैक्टीरिया हैं. क्या? एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एस्टिक एसिड निकालता है. क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ये भी बैक्टीरिया है, ब्यूटाइलिक एसिड. और लैक्टोबेसिलस लैक्टिक एसिड. समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बताइए माइक्रोब से हम लोग एसिड बनाएंगे क्या? यस सर. इसे बैक्टीरिया यूज करेंगे कि फंगस की? दोनों दोनों दोनों. एस्परजिलस नाइजर से क्या निकालेंगे? सिट्रिक एसिड. ठीक है. बाकी एसिटोबैक्टर एसिटाई ये तो रट लोगे. एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम द ब्यूटाइरिक, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस लैक्टिक. तो सब में तो एसिड का बैक्टीरिया से नाम रखा गया. लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइरिकम से ब्यूटाइरिक एसिड, एसिटोबैक्टर से एस्टिक एसिड और एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड. ये गलती मत करना, यही सब गलत होता है. जबकि देखो जो ईस्ट है इसे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर कभी दाग लग गया कपड़े में तो गेट इट, ये लाइपेज 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 आर यूज इन डिटर्जेंट. किसको रिमूव करेगा? ऑयली स्टेन. ऑयली स्टेन लॉन्ड्री में जहां धोबी काम कपड़ा धोता है, जो मार्केट से जूस खरीद के ले आते हो वो बेकार होता है. क्यों? उसमें फाइबर नहीं होता है. फाइबर क्यों नहीं रखते है मार्केट के जूस वाले? जो डिब्बा बंद ले आते हो ट्रॉपिकाना या रियल फ्रूट जूस, उसमें प्रिजर्वेटिव मिला होता है और फाइबर हटा देते हैं. क्योंकि फाइबर होगा ना तो जूस खराब हो जाएगा. हमारे बॉडी के लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है, गंदगी क्लीन करता है. तो जो भी बॉटल्ड जूस होते हैं वो ज्यादा क्लेरिफाइड होते हैं.
क्या यूज होता है? प्रोटीएज और पेक्टिनेज। जब भी मार्केट में जूस मिलता है वो फाइबर विहीन है, फाइबर डिसॉल्व करने के लिए उसमें एंजाइम का यूज करते हैं, कौन सी? प्रोटीएज और पेक्टिनेज। और देखो एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये एक बैक्टीरिया से निकालते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। अगर हार्ट में कोई क्लॉट हुआ है हार्ट अटैक के दौरान तो इसको रिमूव करने में गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इसी को बोलते हैं टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। बताओ स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे निकालते हैं? बैक्टीरिया से। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस। इसी को क्या बोलते हैं? क्लॉट बस्टर। क्योंकि क्या निकालेगा ये? ब्लड क्लॉट। कहां से? ऐसे पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इंफेक्शन हुआ है, यानी जिनको हार्ट अटैक हुआ है। अगर मान लो किसी का लीवर किडनी खराब हो गया तो उस केस में हम एक ड्रग यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो शरीर के प्रतिरोधात्मक क्षमता को कम करता है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग। ये एक फंगस से निकालते हैं जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और जितने मोटे लोग हैं वो हफ्ते भर में पतले हो जाएंगे मोनास्कस परप्यूरियस का यूज करके। ये जो मोनास्कस परप्यूरियस है ये क्या है? ईस्ट है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल रोलिंग एजेंट है, ये एक एंजाइम का निर्माण कम कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है। उस एंजाइम का नाम है HMG कोएंजाइमे रिडक्टेज। जो लिखा है ना कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, वहां लिख जाओ HMG कोएंजाइमे रिडक्टेज। मिला? एच, वो किताब में लिखा नहीं, आप लिख जाओ, आया हुआ है HMG कोएंजाइम रिडक्टेज, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल ट्रांसफरेज रिडक्टेज। बहुत बड़ा नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल ट्रांसफरेज रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज नाम है एंजाइम का, ठीक है। अब आ जाओ माइक्रोबिन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में आप देखोगे बेटा एक क्वेश्चन जरूर आना है सीवेज ट्रीटमेंट। देखो ये दोनों चैप्टर भले छोटे चैप्टर हैं बट इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। इसमें देखो इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें देखो लिखा प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी। इसमें हमको डायग्राम बना के बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। समझो जरा, बोर्ड पे आएंगे अब हम, इसको ऑफ करके कैमरे पे जाएं। होता है कि देखो ये लेट अस सपोज कि गीता नगर से कूड़ा कूड़ा आ रहा है बहते हुए, सीवेज। सीवेज का मतलब होता है माइक्रोब्स प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा प्लस वाटर। सीवेज का मतलब है माइक्रोब्स ठीक प्लस ह्यूमन एक्सक्रीटा मानव का मलमूत्र और पानी। इधर पे बहता हुआ आ रहा है, सपोज ये गीता नगर ये लेट अस सपोज शारदा नगर से बहता हुआ आ रहा है, शारदा नगर समझो ये बहता हुआ आ रहा है। ये समझो, ये बहुत ध्यान से समझना, ये समझ लो आप देखोगे क्या है, ये रावतपुर से आ रहा है और आने के बाद ये गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब यहाँ हम बनाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो इसमें जब पानी आता है तो सबसे पहले यहाँ पे एक जाली लगा होता है, जो जाली लगा होता है जो भारी भरकम चीजों को यहीं रोक लेगा। उसके बाद ये किनारे एक टैंक में जाता है, बहुत बड़ा टैंक होता है, ये बहुत बड़ा टैंक है जी। इस ये बहुत बड़ा जो टैंक है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये जो देख रहे हो इसका नाम है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, 1 डिग्री प्राइमरी सेटलिंग टैंक। जो प्राइमरी, ध्यान से समझना इसी के क्वेश्चन गलत होंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो नीचे गंदगी भर जाएगी इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, SLUDGE प्राइमरी स्लज। और नीचे से नोजल बना होता है, यहां से आप देखोगे ये प्राइमरी स्लज नीचे बह के ये बाहर गिर जाएगा। यहां से ले जाइए, गरीब लोग उठा के ले जाते हैं, कुकिंग लाइटिंग करते हैं, जलाते हैं, या खेतों में डालते फर्टिलाइजर होगा। जो भारी भरकम चीज होंगी प्राइमरी स्लज होगा, जो ऊपर आप देख रहे हो लिक्विड पार्ट होगा, समझो लिक्विड पार्ट जो होगा ये, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इफ्लुएंट। यानी प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो नीचे गंदगी बैठी होगी उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं, जो ऊपर लिक्विड पार्ट होगा वो प्राइमरी इफ्लुएंट है। और ये जाता है एक बहुत बड़ी टंकी है यहाँ पे, ये देखो बहुत बड़ी लार्ज
ये समझो एक बहुत बड़ी टंकी है, इसको बोलते हैं एयरेशन टैंक। ये जो है इसका नाम है एयरेशन, एयरेशन टैंक। इस एयरेशन टैंक में आप देखोगे ऐसे पंखा लगा होता है, ऐसे पंखा लगा होता है जो ऐसे नाचता है, गंगन 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 नाचेगा। समझो इधर से जीता नगर, शारदा नगर, रावतपुर, पूरा मलबा बहता हुआ आ रहा है प्राइमरी सेप्टिक टैंक में, भारी भरकम चीजें नीचे बैठ गई प्राइमरी स्लग, ऊपर का लिक्विड पार्ट बहता हुआ कहां एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में आप देखोगे खूब माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं, समझो। यानी ये जो देख रहे हो जिसमें सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ, गेट इट, फिल्ट्रेशन हुआ, फिर सेडिमेंटेशन हुआ, यानी यहां तक जो ट्रीटमेंट देख रहे हो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। इसको हम फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, फिर क्या हुआ, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। पहले फिल्ट्रेशन हुआ, फिर सेडिमेंटेशन हुआ, कहा प्राइमरी ट्रीटमेंट है फिजिकल। अब जो होगा वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसमें होता है, एयरेशन टैंक में। फिजिकल ट्रीटमेंट किसमें होता है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन, फिर क्या होता है, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन यानी फिजिकल मेथड्स हैं। इसके बाद आप देखोगे क्या है, भारी भरकम चीजें जाकर नीचे बढ़ गई, हल्की ऊपर आएंगे जिसमें डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, पूरा माइक्रोब्स एंड ऑल है, ये सब बहते हुए आएंगे एयरेशन टैंक। एयरेशन टैंक में पंखा लगा होता है जो खूब नाचता रहता है ऐसे, ताकि प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई बेहतरीन हो सके। तो होगा क्या, इसमें अपने आप जो फंगस होता है, ऐसे देखोगे फंगस अपने फिलामेंट बना लेगा, फंगस अपने फिलामेंट बना लेगा, खूब भयंकर अपने फिलामेंट बना लेगा फंगस। ये देखो फंगस अपने फिलामेंट बना लेगा, समझो फंगस अपने फिलामेंट बना लेगा, ऐसे फंगस फिलामेंट बना लेगा। और फंगस के फिलामेंट में आप देखोगे आके ये बैक्टीरिया फंस जाएगी, समझो ये आके इसी में बैक्टीरिया फंस जाएगी, बैक्टीरिया फंस जाएगी, खूब बैक्टीरिया फंस जाएगी, समझो। तो बैक्टीरिया फंस जाएगी आप देखोगे, तो मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, उसको बोलते हैं फ्लॉक्स, FLOCKS, फ्लॉक्स। व्हाट डू मीन बाय फ्लॉक्स, मास ऑफ बैक्टीरिया, खूब ढेर सारी बैक्टीरिया कहां फंसी है, फंगल क्या है, फिलामेंट, फंगल फिलामेंट के अंदर खूब ढेर सारी बैक्टीरिया फंसी हुई है, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। और ये पंखा नाचेगा, खूब ऑक्सीजन यहाँ पे लबालब सर्कुलेट होगा, और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण फंगस और बैक्टीरिया खूब ज्यादा ग्रो करेंगे, जितना ज्यादा ग्रो करेंगे इसके अंदर का जितना भी गंदगी होगी उसको खा जाएंगे। पहले जब आ रहा होगा यहाँ पे जो बीओडी है, बीओडी बहुत ज्यादा होगा। व्हाट इज बीओडी, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम टू डिकम्पोज ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिसॉल्व करने के लिए कितना ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेंगे, वो बीओडी है। बीओडी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन, बट बीओडी इज अ इनडायरेक्ट मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट। यानी आप देखोगे इधर आ रहा होगा तो पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा होगा, यानी एयरेशन टैंक में जब आ रहा होगा क्या, उधर से प्राइमरी फ्लुएंट कहां से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, तो बीओडी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन आप देखोगे आप इस एयरेशन टैंक से आगे क्या है, ये प्राइमरी फ्लुएंट, यानी एयरेशन टैंक में आएगा कौन, प्राइमरी फ्लुएंट, जाएगा कौन, प्राइमरी फ्लुएंट। फर्क क्या होगा, जब आ रहा होगा तो बीओडी बहुत ज्यादा होगा, जब जा रहा होगा एयरेशन टैंक से बाहर जो गंदगी है वहां में बीओडी कम हो रहा होगा। व्हाट इज बीओडी, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम टू डिकम्पोज ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम करने में कितना ऑक्सीजन खपत होगा, वो बीओडी है। एयरेशन टैंक में जब प्राइमरी फ्लुएंट आ रहा होगा तो बीओडी ज्यादा होगा, तो जा रहा होगा तो बीओडी कम होगा। और ये देखो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। यानी आप देखो ये देखो एक और टंकी आ गई जिसमें इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो जो इसके अंदर के फ्लॉक्स होंगे वो बहते हुए आएंगे और नीचे ये फ्लॉक्स बैठ जाएंगे। जो नीचे बैठ जाएंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्लज, सेकेंडरी स्लज। जैसे प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे प्राइमरी स्लज, ऊपर प्राइमरी फ्लुएंट, वैसे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में नीचे सेकेंडरी स्लज और ऊपर जो होगा वो सेकेंडरी फ्लुएंट, इसको बोलेंगे सेकेंडरी फ्लुएंट। और ये सेकेंडरी फ्लुएंट चला जाएगा किसमें, टर्शियरी सेटलिंग टैंक में, जहां पे बोतल में भर के पानी मिलेगा क्या 12 रुपया लीटर। यानी जो खेतों में बैठे, जो टॉयलेट में लोग बाल्टी में पानी लेकर बैठते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो बोतल में भर जाता है और 12 रुपया लीटर, 20 रुपया लीटर लोग बेचते हैं।
समझो जो गोवा के मुख्यमंत्री थे और सैल्यूट टू हिम, उन्होंने सब बंद करवा दिया और रेलवे स्टेशन में पानी बहुत सस्ते रेट पर प्रोवाइड करवा दिया, समझो। तो आप देख रहे हो कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या हो रहा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जिसमें नीचे प्राइमरी स्लज ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट, वहां से प्राइमरी ट्रीटमेंट आया एरेशन टैंक में, यहाँ पे फ्लॉक्स ग्रो किए यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी अ मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, फ्लॉक्स का ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि पंखी नाच रही है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में नीचे जो बैठ जाएगा गंदगी उसको सेकेंडरी स्लज बोलते हैं, जो ऊपर है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी स्लज, ध्यान सुनना समझना, ये सेकेंडरी स्लज नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ ये सेकेंडरी स्लज, ये देखो सम सेकेंडरी स्लज का कुछ हिस्सा, सेकेंडरी स्लज का कुछ हिस्सा ये देखो ऐसे बहता हुआ आता है और आने के बाद एरेशन टैंक और प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बीच में आके खुल जाता है, ये देखो ये आके यहाँ पे खुल गया, इसका मतलब जो फ्लो होगा ऐसे जाएगा यहाँ नहीं गिरेगा, तो इस तरह से खोलते हैं ये, यहां से जो चीजें बह रही है वो सीधे जाएंगी, लेकिन यहां से जो चीजें आएंगी इसे बहुत कम हिस्सा यूं भागेगा नीचे, और नीचे भाग के ये ऊपर जाता होगा, आप देखोगे सेकेंडरी स्लज का कुछ हिस्सा सम जो आता है एरेशन टैंक में, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, and this activated sludge is going to behave like inoculum का मतलब होता है starter, किसका starter है, flocks का starter कौन होता है, activated sludge, यहाँ पे मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड फंगल फिलामेंट कहाँ से आए हैं, एक्टिवेटेड स्लज से, एक्टिवेटेड स्लज क्या है, सेकेंडरी स्लज का कुछ हिस्सा जो इनोकुलम या जामन का काम कर रहा है, किसका, फ्लॉक्स का, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, और इस सेकेंडरी स्लज का ज्यादातर हिस्सा, समझो ये सेकेंडरी स्लज का ज्यादातर हिस्सा ये चला जाता है किसमें, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर, इस एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आप देखोगे, देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इधर यहां भी ऑक्सीजन चाहिए, यहां भी ऑक्सीजन, यही वो जगह है जहां पे ऑक्सीजन नहीं है, समझो, यानी आप देख रहे हो क्या है, सेकेंडरी स्लज का ज्यादातर हिस्सा चला गया एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, किसी में बनता है बायोगैस, और बायोगैस में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, मीथेन, H2S, CO2, H2, ट्रेस अमाउंट में N2, समझो, यही वो जगह है जहां पे बायोगैस बनता है, और इस बायोगैस का इस्तेमाल आप कुकिंग और लाइटिंग में कर सकते हैं, इसका मतलब गीता नगर, शारदा नगर, रावतपुर, जो बाथरूम में लोग बैठे थे पानी लेके, वो पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आया और वो पानी 12 रुपया 20 रुपया लीटर बिक रहा है, वही पानी, वही गंदगी जो है कुकिंग और लाइटिंग, एलपीजी का सिलेंडर का विकल्प है बहुत बड़ा, कुकिंग और लाइटिंग में यूज होता है, और इस पानी को टरबाइन में गिरा के बिजली अलग बना लेते हैं, आज मानव ने चाहे जितनी तरक्की कर ली हो, और आज ये माइक्रोब्स का जो सब्स्टिट्यूट है दुनिया में है ही नहीं, समझो, चाहे लाख टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गई हो टिल डेट, बट वी डोंट हैव एनी टेक्नोलॉजी टू रिप्लेस द वर्क ऑफ माइक्रोब्स, समझो, इन द सीवेज ट्रीटमेंट में जो माइक्रोब्स का रोल है वो कोई टेक्नोलॉजी फुलफिल नहीं कर सकती, तो आप देख रहे हो तीन तरीके से हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप देख रहे हो एरेशन टैंक में हो रहा है, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसे फ्लॉक्स ग्रो करते हैं, क्या होता है फ्लॉक्स, मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट इस एरेशन टैंक में जब आ रहा होगा क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो बीओडी बहुत ज्यादा होगी, व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम टू डिकम्पोज All the organic matter present in 1 liter water. 1 liter पानी में जितना organic matter है उसको decompose करने के लिए कितना oxygen microorganism लेंगे, वो क्या होता है बीओडी, यानी जब aeration tank में fluid आ रहा होगा तो बीओडी ज्यादा होगा, जब जा रहा होगा तो बीओडी कम होगा. बीओडी is a direct measure of oxygen consumption, indirect measure of amount of polluted ज्यादा, बीओडी ज्यादा क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको डिकम्पोज करने के लिए. ध्यान सुनना, जो एरेशन टैंक में आ रहा होगा वो प्राइमरी फ्लुएंट है, जा रहा होगा वो भी प्राइमरी फ्लुएंट है, लेकिन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाएगा तो नीचे सेकेंडरी स्लज, ऊपर सेकेंडरी फ्लुएंट, जो सेकेंडरी स्लज है उसका कुछ हिस्सा एक्टिवेटेड स्लज कहलाता है,
समझो बात को, दिस एक्टिवेटेड स्लर्ज इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ इनोकुलम. इनोकुलम का मतलब क्या है? स्टार्टर. किसका स्टार्टर है? फ्लॉक्स का. व्हाट इज फ्लॉक्स? मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगस फिलामेंट. इस सेकेंडरी स्लर्ज का ज्यादातर हिस्सा आया एनरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर में. इसी एनरोबिक स्लर्ज डाइजेस्टर में बायोगैस बनता है. बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? मीथेन होता है, H2S होता है, H2 होता है, इसमें N2 भी होता है. मेन जो गैसें होती है CH4, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. समझो आपको,